बंद है। बालकनी का दरवाजा खोलते ही नम हवा का झोंका रात में हुई बारिश का संदेश ले आया। सुनंदा ने देखा सामने की छत पर जमा पानी में कुछ कबूतर किलोल कर रहे हैं। कभी चोंच पानी में डुबोते हैं तो कभी अपने पंखों को फड़फड़ाकर पानी की फुहार उड़ा देते हैं। उसे याद आता है बचपन में मामा के यहाँ छुट्टियों में स्विमिंग पूल में यूं ही किलोल करना। उसके चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी स्मित खिंच जाती है। पानी से भीगे भारी पंखों को अब वे फड़फड़ाते झाड़ते उड़ने की कोशिश में लगे हैं। वह भी तो उड़ना चाहती थी असीम आकाश में। कबीर से उसने कहा था एक दिन, दिन भर अकेले घर में बैठे बैठे उकता जाती हूँ, तुम कहो तो कोई पार्ट टाइम जॉब ही ढूंढ लूँ। उसकी हर बात में तुम कहो तो या तुम्हें ठीक लगे तो क्यों आ जाता है? बगैर कबीर को ठीक लगे क्या कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता? बड़े प्रेम से जवाब दिया था कबीर ने। तुम्हें ज़रूरत क्या है जॉब करने की? क्या मैं किसी चीज़ की कमी रखता हूँ? बात कमी की नहीं है कबीर, बात तो सिर्फ मन की है, सुनंदा ने कहा था। मन बहलाव के सभी साधन तो हैं तुम्हारे पास, फिर भी अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलो, मगर आइंदा से बाहर जाने की बात मत करना। तुम नहीं जानती हो बाहर की दुनिया को, सरवाइव नहीं कर पाओगी। कितने प्रेम से अपनी बात रखना जानता है कबीर, और वह भी तो उसके सामने निरुत्तरित सी निरीह सी रह जाती है। सुनंदा ने देखा कबूतरों का झुंड अपने पंखों को सुखा चुका है और उड़ान की तैयारी में है। उसे याद आता है नानी हमेशा कबूतरों को सबसे निरीह पक्षी बताया करती थी, पर आज उसे उन पक्षियों के लिए निरीह उपमा सार्थक नहीं लग रही थी। 2-3 मकानों के बाद ही 6 मंजिला ऊंचा अस्पताल का भवन है। सुनंदा की नज़रें वहीं टिक जाती हैं। बड़ा सा कबूतरों का झुंड एक साथ एक ही दिशा में भवन की परिक्रमा लगा रहा है। सुनंदा गिनती है 1, 2, 3 सीधी परिक्रमा, और फिर सब अचानक एक साथ उल्टी परिक्रमा के लिए घूम जाते हैं। 2-3 उल्टी परिक्रमा, फिर सब छितराकर अलग अलग जगहों पर बैठ जाते हैं। कोई तार पर, कोई छत की मुंडेर पर, कोई तो कोई टीन के छज्जे पर। कबूतरों का यह नित्य कर्म है और उन्हें देखना सुनंदा का नित्य कर्म बनता जा रहा है। और भी तो कितने भवन हैं वहाँ, लेकिन कबूतर उस अस्पताल के भवन की ही परिक्रमा क्यों करते हैं, सोचने लगी सुनंदा। बचपन में मामा से सुना था कबूतर के पंखों की हवा बीमारी को अपने साथ ले उड़ती है। तब क्या कबूतर स्वयं ही अपनी इस खूबी को पहचान कर समाज सेवा में जुटे हैं? पास के ही किसी स्कूल से बैंड के साथ परेड की आवाज़ें आती है, ढम 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 ढम, लय और ताल में बजता हुआ ड्रम। उसे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वह अपनी कल्पना में ही स्कूली बच्चों को कदम ताल करते देखती है। फिर सोचती है कि क्या इसी ड्रम की लय ताल को सुनकर कबूतर भी अस्पताल के चारों ओर परेड करते हैं? लेकिन नहीं, ड्रम तो कुछ देर में बंद हो जाता है, पर कबूतरों की परेड तो देर तक चलती रहती है। कौन उन्हें गाइड करता है सुनंदा नहीं समझ पाती, बस उन्हें यूं ही टकटकी लगाए देखना उसे सुकून देता है। कितने कबूतर हैं यहाँ, झुंड के झुंड, अकेला कबूतर तो उसे दिखाई ही नहीं देता। अपने फ्लैट की बालकनी की गिरफ्त में खड़ी सुनंदा का मन उन आज़ाद पंछियों के साथ उड़ने लगता, लेकिन कुछ ही देर में वह थक जाती। क्यों थक जाती है वह? कबूतर तो इतना परिश्रम करने पर भी नहीं थकते। जब कभी कबीर का फोन आता, लंच तुम्हारे साथ ही करूँगा, तब उसकी यही थकान उड़न छू हो जाती, तब वह कबीर की पसंद का खाना बनाने में जुट जाती। एक दिन सुनंदा ने कबीर से कहा था, काम से छुट्टी ले सको तो 2-3 दिन के लिए बाहर घूम आए। बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी मैनेज की है, पर बच्चों की भी छुट्टियां हैं और उन्हें और अपर्णा को प्रॉमिस कर चुका हूँ, इसी शनिवार को शिमला के लिए निकल जाएंगे। कबीर जब कुछ कहता है तो इतनी खामोश क्यों हो जाती है वह? कभी उसका विरोध क्यों नहीं कर पाती? शायद दूसरी औरत होने की ग्लानी उसे कुछ बोलने ही नहीं देती। और फिर कबीर के सिवा उसका है ही कौन? जिस दिन कबीर से रिश्ता जोड़ा और सभी रिश्ते पीछे छूट गए। अपने इस अकेलेपन का वर्ण स्वयं उसी ने तो किया है। एक बेनाम रिश्ते के पीछे उसने अपने सारे रिश्तों को गवा दिया। अपने आजाद ख्यालात पर बड़ा गर्व था उसे। बालकनी में कबूतर का जोड़ा आ बैठा। सुनंदा टकटकी लगाए देखती रही। शायद जो आगे आगे चल रही थी वो मादा थी,
नर उसे मनाने के अंदाज में पीछे पीछे जा रहा था। जहां कबूतरी जाती, कबूतर भी उस ओर चल देता। कुछ ही देर में उसने कबूतरी को मना लिया और दोनों चोंच मिलाए गुटरगों की आवाज में प्रेमालाप करने लगे। ये पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका, जानने को उत्सुक हो उठी सुनंदा। काश वह इनकी भाषा समझ पाती, काश वह इनसे बोल पाती। एक सुबह बालकनी से सुनंदा ने देखा, सामने जिस मकान की छत पर कबूतरों के लिए दाना पानी रखा होता है, वहीं एक बड़ा सा सुनहरे सीखचों वाला पिंजरा रखा है। पिंजरे में बड़ा ही सुंदर तोता है, जो कभी पिंजरे में टंगे झूले पर झूलता है, कभी अपने चारों ओर दाना चुगते उठते बैठते कबूतरों को ताकता है। तोते के पास कुछ तश्तरियों में कटे फल और मिर्च रखे हैं, लेकिन तोते का सारा ध्यान अपने चारों ओर दाना चुगते कबूतरों पर जमा है। कुछ ही देर में पिंजरे का मालिक आता है और पिंजरा उठा ले जाता है। सुनंदा भी कमरे में आकर किताब में आंखें गड़ा देती है। कितने सुलझे और खुले विचारों वाला लगा था उसे कबीर का व्यक्तित्व। उसके इसी व्यक्तित्व ने उसे कबीर की ओर आकर्षित किया था। कितना खुलापन था उसकी बातों में, खास तौर से महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर सुनंदा को उसके विचार बड़े अच्छे लगते। महिला उत्थान को लेकर न जाने कितने लेक्चर वह उसे सुना देता और सुनंदा मंत्रमुग्ध सी बस सुनती रहती। बोलती वह कम ही थी और अब अगर बोलना चाहती है तो वह कबीर को पसंद नहीं आता। तुम सवाल बहुत करती हो सुनी, अपने सवालों के जवाब न पाकर सुनंदा एकांत में बैठी स्वयं ही उत्तर खोजती रहती। सुनंदा फिर बालकनी में आ खड़ी हुई। ये बालकनी जैसे उसकी शरण स्थली बन गई है। अगल बगल के फ्लैटों की बालकनियों में झांक कर देखा उसने, कोई नजर न आया। एक बालकनी में अलगनी पर कपड़े लटके हैं, बेजान, तब तक लटके रहेंगे जब तक उनका मालिक आकर उन्हें उतार न लेगा। एक दूसरी बालकनी में कुछ गमलों में पौधे हैं, मुरझाए सूखे से, इंतजार करते कि कब उनका मालिक आए और उन्हें पानी दे। सामने एक और मकान है जिसकी छोटी सी छत एक कुत्ते की शरण स्थली है। चमकीले काले रंग का कुत्ता, शायद लैब्राडोर है। छत के एक कोने में टाट बिछा है, एक ओर पानी का बर्तन रखा है। कुत्ते का बस रंग ही चमकीला है, उसकी आंखों में चमक नहीं, बड़ा आलसी और सुस्त सा नजर आता है। छत की मुंडेर के किनारे किनारे कुछ देर चक्कर लगाता है, फिर अपने अगले दोनों पंजों को मुंडेर पर टिकाकर बाहर की दुनिया देखने की जी तोड़ कोशिश करता है। तभी कुत्ते का मालिक हाथ में कोई बर्तन लिए छत का दरवाजा खोलता है और कुत्ते का बेजान शरीर अचानक स्फूर्ति से भर जाता है। वह मालिक की ओर छलांग लगा देता है, उसके पैर चाटता है, उसके कपड़े मुंह में दबा अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। इस दौरान उसकी पूंछ हवा में फरफराते झंडे सी अनवरत हिलती रहती है। कुत्ते का मालिक खाने का बर्तन नीचे रखता है, कुत्ते की गर्दन दो एक बार सहलाता है। सुनंदा की नज़र कुत्ते की गर्दन पर जाकर ठहर जाती है। गर्दन में एक सुंदर चमड़े का पट्टा बंधा है। जाने कैसे सुनंदा का हाथ स्वयं की गर्दन की ओर उठ जाता है। सोने की मोटी लंबी चेन उसके गले में पड़ी है, कुछ महीनों पहले ही तो उसके जन्मदिन पर कबीर ने दी थी। कुत्ते का मालिक छत का दरवाजा बंद कर नीचे चला जाता है। कुत्ते का शरीर फिर से बेजान हो जाता है। अचानक कुत्ता सुनंदा की ओर देखता है और देखता रहता है। सुनंदा को लगता है उन दोनों में कोई मूक वार्तालाप चल रहा है। कुत्ता खाने को सूंघता है, फिर बिना खाए मुंडेर से चिपक कर सो जाता है। सुनंदा को भी नींद सी आने लगी है, वह अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। मन करता है किसी से फ़ोन पर बात करे, लेकिन किससे, कोई भी तो उससे बात करना पसंद नहीं करता। उसके चरित्र को लेकर जाने कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। बालकनी से सुनंदा रोज देखती है सुनहरे सीखचों वाला पिंजरा, पिंजरे में बंद तोता और उसके चारों ओर दाना चुगते झुंड के झुंड कबूतर। उस रोज दाना चुगते कबूतरों की फड़फड़ाहट से जाने कैसे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। सुनंदा टकटकी लगाए देखती रही। कबूतर उड़ गए थे। थोड़ी देर में तोता धीरे धीरे चलता हुआ दरवाजे तक आया। थोड़ी देर तक वहीं बैठा जाने क्या सोचता रहा, अचानक फुदक कर दरवाजे के बाहर आ गया और उन्मुक्त आकाश को निहारने के लिए गर्दन ऊंची की।
आज उसे आसमान बहुत बड़ा लगा। उसने पिंजरे की दो परिक्रमा की, आज उसके लिए धरती भी बड़ी हो गई थी। सुनंदा ने देखा तोता पिंजरे से दूर नहीं जा पा रहा था। जाने क्यों उसे इतनी दूर से भी तोते के चेहरे पर डर, आशंका, लाचारी के अनेकानेक भाव नजर आने लगे। अचानक तोते की नज़र आसमान में उड़ती चार पांच चीलों की ओर गई। चीलें अपने चौड़े काले डैने फैलाए शिकार की तलाश में एक वृत्त सा बनाती हुई अदृश्य धुरी की परिक्रमा लगा रही थी और हर वृत्त में धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही थी। सुनंदा ने देखा तोता फिर से पिंजरे में गया और कोने में दुबक कर चुपचाप बैठ गया। तभी उसका मालिक आया और पिंजरे का दरवाजा बंद कर पिंजरा उठा ले गया। अनमने भाव से सुनंदा भीतर आ गई। अचानक खुली बालकनी से एक कबूतर उसके कमरे को बड़ी धृष्टता से अपने साम्राज्य में शामिल करता हुआ घुसा चला आया। हड़बड़ा गई सुनंदा। कबूतर कभी पंखे पर तो कभी लाइट पर, कभी अलमारी की ऊपरी जगह पर कुछ देर तक कमरे की एक दीवार से दूसरी दीवार तक चक्कर लगाता रहा। वह बाहर निकलने की कोशिश में दरवाजे के ऊपर लगे पारदर्शी कांचों से बार बार टकरा जाता। सुनंदा ने तौलिए से उसे रास्ता दिखाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब तो कबूतर ने बाहर निकलने के लिए कांच पर टक्करें मारना शुरू कर दिया। उसके कई पंख टूट चुके थे, चोंच भी शायद घायल हो गई थी, लेकिन वह था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कमरे की चारदीवारी से आज़ाद होने का उसे वही एक रास्ता नजर आ रहा था। पारदर्शी कांच खुले साफ आसमान सा प्रतीत होता था। उसकी दृष्टि आसमान पर थी, कांच अदृश्य हो गया था। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या है जिसने उसे बांध लिया है। सुनंदा पुचकार पुचकार कर कह रही थी, उधर रास्ता बंद है कब्बू, इधर आओ, उधर रास्ता बंद है। कबूतर के पंखों की फड़फड़ाहट से सूने कमरे में शोर भर गया था। काफी देर की जी तोड़ कोशिशों के बाद कबूतर ने बाहर का रास्ता खोज लिया। उसके बाहर उठते ही सुनंदा ने जैसे चैन की सांस ली, जैसे उसे ही कैद से मुक्ति मिल गई हो। कमरे में कबूतर के छोटे छोटे पंख फैल गए थे। कुछ देर तक सुनंदा हाथ पर हाथ धरे बैठी निरीह पंछी के पंखों को निहारती रही। उसे लगा ये छोटे छोटे पंख उसके भीतर उग रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। अचानक उसका हाथ स्वयमेव ही अपने गले में पड़ी चेन की ओर उठा और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। तभी उसके कदमों में हरकत हुई, वह उठी और एक एक कर पंखों को सहेजने लगी। ये थी पहली कहानी, उधर रास्ता बंद है। तो अब मैं कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद सोनू, अंजलि जी थैंक यू, नरेंद्र जी धन्यवाद। वीना दी थैंक यू। तो अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दूसरी कहानी का शीर्षक मैंने नहीं दिया है, तो ख्याल आया कि कहानी का शीर्षक आप लोग मुझे सुझाएं। ये कहानी मरुधरा से उपजी कहानी है, एक युवक की कहानी है, अनपढ़ युवक की कहानी है। तो अब मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। आप लोग कहानी सुने, इससे जुड़ें और शीर्षक का सुझाव मुझे दें। आभार, थैंक यू पूनम जी, धन्यवाद। शिल्पा थैंक यू, धन्यवाद। तो अब कहानी थोड़ा समय लेगी तो मैं शुरू करती हूँ। आप सुने, जुड़ें और शीर्षक कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं। शीर्षक में
ऋषियों की धवल जटाओं की मानिंद, हिम की जटाओं को धारण किए, तपस्वियों की तपा स्थली, हिमालय की अनगिनत श्रृंखलाएं हो, या सूर्य की पीताभ रश्मियों से सुनहरी हुई चादर ओढ़े थार के रेगिस्तान हो, या फिर अनंत तक फैला दूरवासा की भांति श्राप देने को तत्पर क्रोधित और कभी किसी महामुनि के समान ध्यान मग्न शांत चित्त समुद्र हो, प्रकृति के सभी रूपों ने सदैव ही मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। इस प्राकृतिक खजाने के हम जितना नज़दीक जाते हैं, ये हमें उतने ही अनमोल मोती पेश करता है। लेकिन इस बार जो मोती मुझे मिला, वह था तो प्राकृत का ही अंश, किंतु मानव रूप में। जैसलमेर, राजस्थान का सुदूर पश्चिमी जिला, जिसका क्षेत्रफल तो सबसे अधिक है, लेकिन जनसंख्या सबसे कम। मेरी नियुक्ति जब वहाँ के छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में हुई, तो एक ओर तो थार का आकर्षण मुझे खींच रहा था और दूसरी ओर मेरे साथ गुप्ता जी की नियुक्ति होना मुझे खल रहा था। स्कूल खुलने से 4 दिन पहले ही मैं वहाँ पहुँच गई थी। इन्हीं 4 दिनों में मुझे स्कूल का निरीक्षण, परीक्षण और अपने आवास का प्रबंध देखना था। स्कूल तक पहुँचते पहुँचते मेरी सांस फूलने लगी थी। पूरा 1 घंटा कच्चे धूल भरे रास्तों और टीलों पर चलकर ये सफ़र पूरा हुआ था। बच्चे कैसे आते हैं यहाँ इतनी दूर, माथे से पसीना पोंछते हुए मैंने अपने साथ आए गांव के नारायण चौधरी से पूछा तो वह मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट ने लंबाई में फैली उसकी मूछों को और फैला दिया। जहाँ मैं पसीने से सराबोर हो चुकी थी, वहीं चौधरी के मुख पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। तब क्या उसकी मुस्कुराहट का कारण मेरा पसीना ही था? माटी री औलाद है, माटी में खेल और बड़ा हुआ है, कूदता फानता आ जावे है, चौधरी ने कहा तो मैं धीमे से मुस्कुरा दी। कितने बच्चे आते हैं यहाँ? मैंने स्कूल के नाम पर बने टूटे फूटे 3 कमरों पर नज़र डालते हुए पूछा। आस पास री 14-15 गांव ढाणियाँ से करीब करीब 70-80 बच्चा तो आ ही जावे है। स्कूल के पीछे के सरकारी आवास को देख कर दिल कांप उठा। 2 कमरे, 1 टीनशेड, चारों ओर नज़र घुमाई तो दूर दूर तक फैले रेत के टीले, कटीली झाड़ियों और बबूल खेजड़ी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे ख्याल आया कि कुछ समय पूर्व ही कहीं पढ़ा था कि स्कूल के पीछे लावारिस शव पाया गया था। चौधरी शायद मेरे मनोभावों को ताड़ गया, कुछ फुसफुसाता सा बोला। बुरा न मानो तो एक बात बोलूँ मैडम जी? मेरी प्रश्नवाचक नज़रों को स्वीकृति मान वह धीमे से बोला। थे औरत जात हो, थारे लिए या जगह ठीक कोनी, अर्जी लगार दूसरी जगह ट्रांसफर करा लियो। आप तो मुझे डरा रहे हैं चौधरी जी। ना ना मैडम जी, डरावा की मंशा कोनी मारी, पण थे समझो पहली बार कोई औरत जात की नियुक्ति हुई है अठे। या इलाको रेगिस्तान का डाकुआ को इलाको कहावे है, पतो है ना थाने? चौधरी ने सीधा मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मैंने मन ही मन सोचा, एक सभ्य डाकू तो कल ही यहाँ पहुँचने वाला है, फिर अंधे के डाकुओं से कैसा डर? नहीं चौधरी जी, अब कुछ नहीं हो सकता। चौधरी ने अपना पगड़ी बंधा सिर धीरे से हिलाया और बोला, ठीक है जसी थारी मर्जी, पण थे एक बात मानो मारी, थे गांव में ही रहो, थारो रहवा को इंतजाम को सगड़ो जिम्मो मारो। हाँ विचार तो मेरा भी यही है चौधरी जी, मैंने कुछ सोचते हुए से जवाब दिया। लेकिन रोज़ इतनी दूर, मैंने मन ही मन सोचा, शायद मेरे माथे पर कुछ सिलवटें उभर आई थी जिन्हें चौधरी ने देख लिया। थे चिंता मत करो, ऊँट गाड़ी रो प्रबंध रो जिम्मो मारो, हाथ से अपनी छाती ठोकते हुए उसने कहा। नहीं नहीं चौधरी जी, मैं पैदल ही आऊँगी, आप तो बस मेरे रहने का प्रबंध गाँव में करा दीजिए। दूसरे ही दिन गुप्ता जी भी पहुंच गए थे और स्कूल के निरीक्षण के बाद उन्होंने भी गांव में ही रहने का निर्णय लिया। चौधरी जी ने मेरे रहने का इंतजाम गांव के ही एक परिवार के साथ करवा दिया था। उस परिवार ने मेरी जैसी आवभगत की, उससे मुझे लगा कि चाहे शहरों में अब हो या ना हो, लेकिन गाँव में अब भी मेहमान भगवान समान है। मेरे खाने पीने का सब इंतजाम उसी परिवार का जिम्मा था, जिसे वे अपना सौभाग्य मान रहे थे। चौधरी जी गुप्ता जी के लिए ऐसा इंतजाम नहीं कर पाए थे। हाँ, उन्हें कमरा जरूर उपलब्ध करवा दिया गया था। गुप्ता जी को चौधरी का यह रवैया अखर गया। क्यों अनुपमा जी,
आजकल तो स्त्रियां पुरुषों के समान सर उठाकर खड़ी हैं, बड़ी बड़ी महिला सशक्तिकरण की बातें करती हैं, लेकिन जहां स्त्री होने का लाभ मिले उसे लेने से नहीं चूकती। गुप्ता जी ने तिरछी और तीखी नजरों से मेरी ओर देखते हुए कहा। गुप्ता जी के तर्कश में अनेकों व्यंग बाण भरे पड़े हैं, जिनसे दूसरों को आहत करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। चाहती तो थी कि उन्हें करारा जवाब दूं, लेकिन फिर सोचा इनसे उलझने से कोई मतलब नहीं, सो चुप ही रही। स्कूल सवेरे 9 बजे शुरू होना था। मेरे मेजबानों ने सवेरे जल्द ही मुझे कलेवा करा दिया था। 7:45 बजे बाहर निकली तो देखा चौधरी जी ऊंट गाड़ी लिए खड़े हैं। अरे, मैंने कहा था ना कि मैं पैदल ही आऊंगी। चौधरी ने अपनी लंबी मूछों के नीचे करीब करीब छुप से गए होठों को फैला दिया, फिर बोला, ठेठ स्कूल तक कोनी ले जाऊं, पिपरिया के मोड़ तक थे चालो मारे सागे, फिर पैदल चला जायो। मैं चौधरी को इनकार नहीं कर सकी और ऊंट गाड़ी में बैठ गई। ऊंट गाड़ी में बैठने का पहला अनुभव था, सो एक अलग से रोमांच से भर उठी। यहां से भी तो बच्चे जाते होंगे स्कूल, 7-8 बच्चा जावे है, पण थे तो जानो हो टाबर है, थाने वाके भरोसे कोनी छोड़ सकूं, फिर टाबरा को के है, देर सबेर होती रहवे है। ऊंट गाड़ी मंथर गति से बड़ी ही थी कि आवाज आई, क्यों चौधरी, ऊंट गाड़ी सिर्फ महिला यात्रियों के लिए आरक्षित है क्या? चौधरी ने सिर घुमाकर आवाज की दिशा में, और मैंने चौधरी के चेहरे की ओर देखा। गुप्ता जी के बोलने के लहजे से उसके चेहरे पर खिंचाव सा आ गया था। स्वयं को संयत करता सा बोला, यात्री गाड़ी कोनिया, पिपरिया के मोड़ तक बैठनो चाहो हो तो बैठ जाओ। गुप्ता जी झटके से चढ़कर ऊंट गाड़ी में बैठ गए। क्यों अनुपमा जी, अकेले अकेले ही चल दी, हमसे भी पूछ लिया होता भाई। फिर कुछ रुक कर मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, आखिर मंजिल तो एक ही है हमारी। मैंने उन्हें कोई स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप बैठी रही। आप तो हमसे बात करना भी पसंद नहीं करती अनुपमा जी, शहर की बात अलग थी, लेकिन यहाँ इन पराए लोगों के बीच एक हम ही तो हैं आपके अपने, देख लीजिएगा, जरूरत के वक्त हम ही काम आएंगे। या अपना पराया को भेद गांव का मानुस कोनी जाने है माड़ साहब, अठे तो जिनावर भी पराया कोनी, चौधरी ने प्रेम से अपने ऊंट को सहलाते हुए बोला। ऊंट गाड़ी मंथर गति से कच्चे रास्ते पर बढ़े जा रही थी। धीरे धीरे गांव के कुछ कच्चे कुछ पक्के मकान पीछे छूट गए थे। अचानक चौधरी ने जोर से किसी को हांक लगाई, अरे ओ शिवराम। मैंने सामने देखा तो एक छोटी सी थड़ी दिखाई दी। थड़ी के पास ही धोती कुर्ता पहने और पगड़ी लगाए एक युवक साइकिल लिए, जिसके दोनों ओर दूध के ड्रम लटके थे, खड़ा था। आवाज के साथ ही उसने ऊंट गाड़ी की ओर देखा और कुछ जोर से बोला, आहो भाई जी, राम राम। चौधरी ने ऊंट गाड़ी थड़ी के सामने रोक दी और प्यार से अपने ऊंट को सहला कर नीचे कूद पड़ा। आपको तो आपके मेजबानों ने नाश्ता करा दिया होगा भाई, हम तो भूखे हैं। गुप्ता जी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए तीखी नजरों से मुझे देखते हुए कहा और गाड़ी से नीचे कूद गए। मैं भी अपनी साड़ी संभालते हुए धीरे से नीचे उतरी। चौधरी जी मुझे देखकर बोले, आओ मैडम जी, यो शिवराम है, रोज सवेरे आसपास की ढाणियां में दूध ले जावे है। मैंने शिवराम की ओर देखा, साफ सुथरी पीली धोती पर सफेद कुर्ता और कुर्ते पर बंधा पीला कमरबंद और ठीक उसी रंग की पगड़ी। उसने चेहरे पर जिंदा दिल मुस्कान और आंखों की चमक के साथ मेरी ओर देखते हुए हाथ जोड़ दिए, नमस्ते दीदी जी। जब से गांव में आई थी, मैडम जी के अलावा कोई संबोधन सुनने को कान तरस गए थे। शिवराम के मुख से दीदी जी सुना तो लगा किसी ने कानों में रस उंडेल दिया हो। आपको दीदी जी कह सकता हूँ ना, उसने बड़े प्रेम से पूछा। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही चौधरी जी बोल पड़े, या तो तू एकदम सही बोले हो शिवराम। फिर हंस कर बोले, अब तो या सगड़ा गांव की ही दीदी जी है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे सिर्फ दीदी कह सकते हो। शिवराम ने बच्चों जैसे खिलखिला कर बत्ती सी दिखा दी। शिवराम, आज से दीदी जी ने स्कूल ले जान रो और लाण रो जिम्मो थारो, चौधरी जी ने कहा तो शिवराम ने जोर से हाँ में गर्दन हिलाई। आप इसे क्यों बांधते हैं, मैं कोई बच्ची तो हूं नहीं, मैंने कहा तो चौधरी ने मेरी बात को अनसुना सा कर दिया और शिवराम को कुछ कुछ समझाता रहा। अचानक बेंच पर बैठे चाय की चुस्कियां लेते गुप्ता जी की आवाज सुनाई दी, चौधरी
तुम मुझे भूल रहे हो शायद, मैं भी तुम्हारी मैडम जी, ओह सॉरी सॉरी, दीदी जी के साथ हूँ। कोई समस्या आई तो निपट सकता हूँ। नहीं मार साहब, या तो गांव को उसूल है, गांव की मेहमान गांव की ही जिम्मेवारी होवे है। तो क्या हम गांव के मेहमान नहीं? गुप्ता जी ने तल्ख स्वर में पूछा। असी कोई बात को नहीं मार साहब, मेहमान तो थे भी हो, पण थे जानो हो कि औरत जात को विशेष सम्मान कायदो होवे है। चौधरी ने कहा, फिर मेरी ओर मुड़कर हाथ जोड़कर बोले, अच्छा अब चलूं हूं। धीरे धीरे ऊंट गाड़ी पिपरिया के मोड़ पर मुड़ गई तो शिवराम बोला, चले दीदी? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके साथ साथ चल दी। तुम भी क्या इसी गांव से हो? गांव से दो कोस परली तरफ गुजरों की ढाणी से हूँ। यहाँ तो हर दो चार कोस की दूरी पर 10-15 घरों की ढाणियाँ हैं। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, उधर भीलों की ढाणी, फिर खेर फकीर की ढाणी, उधर नरसिंहों की ढाणी। तुम तो बड़ी शुद्ध हिंदी बोल लेते हो, मैंने कहा तो उसके चेहरे पर बच्चों सी मुस्कान तैर गई। मेरा ननिहाल चंबल किनारे राजा खेड़ा में है, बचपन में वहीं रहा, मामा के साथ जयपुर भी आता जाता रहा, सो सीख गया, और अब तो गांव के बहुत लोग हिंदी जानने लगे हैं दीदी। अचानक हमसे कुछ पीछे चल रहे गुप्ता जी बोल पड़े, हिंदी बोलना कौन सी बड़ी बात हो गई, खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे अंग्रेजी में तीर मार लिया हो। हिंदी हमारी मातृभाषा है गुप्ता जी, अंग्रेजी से पहले हिंदी का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है, मैंने कहा तो शिवराम बोल पड़ा, कुछ कुछ अंग्रेजी भी आती है मुझे दीदी, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो। शिवराम के भोलेपन पर मैं हंस दी तो साथ में वो भी ठटा कर हंस दिया और गुप्ता जी अपनी नाक चढ़ाते रह गए। कहाँ तक पढ़े हो? गायों का दूध दूने और गोबर थापने से फुर्सत मिलती तो पढ़ता ना दीदी, शिवराम ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया। न पढ़ पाने का कोई गम उसके चेहरे पर नहीं था। आप भी अनुपमा जी, इन गुजरों से कहाँ पढ़ाई लिखाई की बात ले बैठी? यदुवंशी हूँ मार साहब, जिनका मैं वंशज हूँ उन्हीं की पूजा करते हैं आप घर में, शिवराम हल्के तीखे स्वर में बोला। नाम में तो राम लिए घूमते हो और वंशज कहते हो कृष्ण का, हम तो भाई हैं भी रघुवंशी और मानते भी राम को ही हैं। गुप्ता जी का इतना कहना भर था कि शिवराम जोर जोर से हंस पड़ा। उसके इस तरह हंसने से गुप्ता जी कुछ अचकचा से गए। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से शिवराम को देखा तो वह अपनी हंसी को काबू में करता हुआ बोला, नाम में तो मेरे शिव भी है मार साहब, फिर बड़े उत्साह से बोला, अच्छा मैं समझाता हूँ आपको, देखे मेरा नाम है शिवराम यादव, मतलब जो शिव है वही राम है और जो राम है वही कृष्ण है। अब अगर इन सबको अलग अलग करके देखेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे मार साहब। मैंने प्रसन्न भाव से शिवराम को देखा, अनपढ़ दूध वाले की समझ और वाक्पटुता पर गर्व हो आया मुझे। मैंने छुपी नजरों से गुप्ता जी की ओर देखा, उनका चेहरा कुछ उतर सा गया था। तुम मेरे साथ धीरे धीरे चलोगे तो तुम्हें भी दूध पहुंचाने में देर हो जाएगी, तुम्हारे पास तो साइकिल है, चले जाओ मैं आ जाऊंगी। एक बार जो जिम्मेवारी ले ली सो ले ली, फिर पीछे हटने वाला नहीं है ये शिवराम, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, शिवराम स्थिर भाव से बोला। तुम छोटे लोगों की यही बड़ी खराब आदत होती है, इतने बड़बोले मत बना करो, मुसीबत पड़ने पर सबसे पहले भाग खड़े होगे। गुप्ता जी ने आंखों की कमानी तान कर तीर छोड़ा। शिवराम को गुप्ता जी की तनी आंखें अखर गई, बोला, गुस्ताखी माफ करना मार साहब, हम जिस मार धरा की धूली पर खड़े हैं ना, हवा की जरा सी हलचल भी यहाँ आंखें नीची करने को मजबूर कर देती है। गुप्ता जी से कोई जवाब देते न बन पड़ा और वे बगले झांकने लगे। शिवराम की बातें थीं या गुप्ता जी की शिकस्त, जाने क्यों मुझे सफर में आनंद आने लगा था। ये मार धरा क्या है, मैंने पूछा। अब मैं और शिवराम पूरी तरह से गुप्ता जी को अनदेखा कर चल रहे थे। जैसलमेर का ये पूरा इलाका पुराने समय में माड़धरा ही कहता था, मथुरा से यदुवंशी राजा यहाँ आए और बस गए, उसके बाद तो शिवराम अपनी जन्मभूमि की गाथाओं में खो सा गया। यहाँ के दुर्ग, हवेलियों, बावड़ियों के बारे में ही रास्ते भर बातें करता रहा। खेजड़ी का विशाल वृक्ष नजर आने लगा तो शिवराम बोला, आपका स्कूल तो आ गया दीदी। मैंने स्कूल की ओर नज़र उठाकर देखा,
स्कूल तो नजर आ गया, लेकिन अब तक एक भी बच्चा क्यों नहीं दिखा? मैंने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा तो शिवराम मुस्कुरा कर बोला, आज तो पहला दिन है ना दीदी, यहाँ तो वैसे भी आधे बच्चे आते हैं और आधे छुट्टी मारते हैं। शिवराम ने मुझसे उसे खेजड़ी के नीचे 2:30 बजे मिलने का वादा किया और आगे बढ़ गया। उस दिन स्कूल में सिर्फ 20 बच्चे आए थे, सो गुप्ता जी कुछ देर बाद ही एक कमरे में पड़ी दरी पर निद्रामग्न हो गए और मैं बच्चों से बातें करने में मशगूल हो गई। 5:30 बजने में 5 मिनट बाकी थे, बच्चे अपना बस्ता समेट चुके थे। मैंने खिड़की से बाहर खेजड़ी की ओर झांका, कोई दिखाई नहीं दिया। चले अनुपमा जी, गुप्ता जी ने कहा तो मैं अनमनी सी बैग संभाल कर बाहर की ओर बढ़ गई। मेरी दृष्टि खेजड़ी के नीचे गई तो मेरे चेहरे पर एक तसल्ली भरी मुस्कान तैर गई। शिवराम अपनी साइकिल के साथ वहां मौजूद था। जुलाई का महीना शुरू हो चुका था, लेकिन मरुधरा की रज और बरखा की बूंदों का मिलन अब तक नहीं हुआ था। चारों ओर कहीं रेतीली कहीं पठारी भूमि पर उगी सूखी झाड़ियां, सूखे बबूल खेजड़ी ही नजर आते थे। तुम रोज इसी वक्त लौटते हो या मेरी ही खातिर? मेरे लिए समय कोई रोड़ा नहीं है दीदी, कभी भी लौटूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आसपास की सभी ढाणियां मेरा ही तो घर है, जहां भूख लगी खाना मिल जाता है और जहां प्यास लगी वहीं पानी। शिवराम की सहजता और सरलता मुझे भाने लगी थी। आप पानी पिएंगी दीदी? अभी परली ढाणी की बावड़ी से भर कर लाया हूं। यहाँ की सूखी धरती की जान ये तालाब और बावड़ियां ही तो है, ये न हो तो क्या जिनावर और क्या मानुस। उसने साइकिल के आगे टंगी बाल्टी उतार कर ढक्कन खोल दिया और बोला, आप ओंक लगाओ मैं पिलाता हूँ। मैंने हाथ की चुल्लू बनाई और शिवराम धीरे धीरे पानी उंडेलता गया। दिन भर के थके शरीर ने जैसे अमृत पी लिया हो। सचमुच धरती की कोख में कितनी मिठास भरी है। आप भी पी लीजिए मार साहब। नहीं, प्यास नहीं है, गुप्ता जी ने उखड़े स्वर में कहा तो शिवराम बोला, नाराजी तो मुझसे है ना मार साहब, पानी से कैसी नाराजी। लेकिन गुप्ता जी को नहीं पीना था सो नहीं पिया। अच्छा शिवराम, एक बात बताओ, चौधरी जी कह रहे थे कि यह इलाका डाकुओं का इलाका है, तो अगर मान लो डाकू हम पर हमला करें तो क्या पाएंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये इलाका सबसे सुनसान इलाका है दीदी, हमेशा डाकुओं का खतरा बना ही रहता है, और जब लूट में कुछ नहीं मिलता तो वे अपहरण कर फिरौती की मांग करते हैं। शिवराम ने कहा तो गुप्ता जी के चेहरे पर भय की लकीरें उभर आई। गांव वालों के पास धरा क्या है जो वो फिरौती देंगे? गुप्ता जी बोले, अनाज और जिनावर, जैसी जरूरत वैसी मांग। और चौधरी को लगता है कि तुम हमें बचा सकते हो डाकुओं से? गुप्ता जी ने तीखे स्वर में कहा। आपको क्या लगता है मार साहब? शिवराम ने पलट कर सवाल किया। मुझे तो लगता है कि तुम ही सबसे पहले दुम दबा कर भाग खड़े होगे। डाकुओं से भिड़ना कोई मजाक नहीं है, गुप्ता जी ने कहा तो शिवराम के चेहरे पर हंसी तैर गई। फिर बोला, कई साल चंबल के डांग इलाके में रहा हूँ, मिट्टी के खादरों और जंगलों की भूल भुलैया के बीच चंबल के डाकुओं के सामने यहाँ के डाकुओं की क्या औकात। फिर उसने अपनी धोती की लांग से कुछ निकाल कर मार साहब के सामने हथेली फैला दी। गुप्ता जी 2 कदम पीछे सरक गए। मैंने देखा उसकी हथेली पर नुकीले फल वाला एक लंबा छुरा चमक रहा था। आप क्यों डरते हो मार साहब? ये तो सिर्फ दिखावे के लिए है, डाकुओं से निपटने के लिए तो केवल मन की ताकत और थोड़ी सी समझदारी की जरूरत होती है। मैं क्यों डरने लगा? डरे मेरे दुश्मन। अच्छा, तो आपके दुश्मन भी हैं? शिवराम के हंस कर कहे इन शब्दों ने गुप्ता जी के गुस्से की आग में जैसे घी डाल दिया हो। भड़क कर अपनी तर्जनी को मेरी ओर झटक कर इशारा करते बोले, मैं कह देता हूं अनुपमा जी, एक दिन ये देहाती अपने साथ साथ आपको भी ले डूबेगा। तेवर देख रही है ना इसके, जरा सी जान पहचान में इतना भरोसा कर लेना ठीक नहीं। ये देहाती मीठी छुरी होते हैं, मौके की फिराक में रहते हैं, ऐसा धीमा वार करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर शिवराम की ओर देखकर बोले, क्या पता यह भी डाकुओं से मिला हुआ हो।
और किसी दिन। गुप्ता जी ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। आप बेकार ही भड़क रहे हैं गुप्ता जी, मैंने उन्हें शांत करने की नीयत से कहा। हाँ, आप भी मुझ पर ही इल्जाम लगाइए, फिर गर्दन घुमाते हुए बोले, समय बताएगा कौन अपना कौन पराया। अचानक मुझे कई ऐसे वाक्य याद हो आए जब स्कूल प्रशासन की नज़रों में महान बनने के लिए गुप्ता जी ने स्वयं की खामियों को मेरे मत्थे मढ़ने की नाकाम कोशिशें की थी। ठीक है मार्ट साहब, फिर इन बातों को समय पर ही छोड़ देते हैं, शिवराम ने बड़े ही संयत स्वर में कहा और मुस्कुरा दिया। स्कूल में अब बच्चे आने लगे थे और मरुधरा मरुभूमि की प्यास बुझाने बरखा का अमृत बरसने लगा था। झाड़ झंखाड़ों ने 10-15 दिनों में ही हरियाली ओढ़ ली थी। मरुभूमि का यह रूप मेरे लिए सर्वथा नवीन था, सो मैं रास्ते भर या तो शिवराम के किस्सों में और या फिर प्रकृति के नित नए बदलते रूपों में खोई रहती। कभी कभी मुझे लगता शिवराम न होता तो मेरा ये सफ़र कितना बोझिल और नीरस होता। गांव में चौधरी जी मुझे किसी तरह की परेशानी न होने देते। मैं सोचती कि शहर में ऐसे लोगों का अकाल क्यों है, या फिर ये यहाँ की माटी का प्रताप है। शिवराम की शिराओं में यदुवंशी रक्त था और मज्जा में मेवाड़ी रजपूती रज। उसने मुझे रावल वंश और मेवाड़ी रज के रज में ही दफन, ऐसे कितने ही किस्से सुनाए जो मैं कभी इतिहास में नहीं पढ़ पाती। वे किस्से तो सिर्फ इस धरती की कोख से पैदा हुए और यहीं दफन हो गए और बस गए शिवराम जैसे कुछ एक दिलों में। अक्सर ऐसे किस्से सुनाते वक्त शिवराम की आंखों की चमक और वाणी का जोश दोगुना हो जाता। एक महीना कैसे बीत गया मुझे पता भी न चला। रोज सवेरे स्कूल तक का सफ़र और फिर स्कूल से गांव तक का सफ़र। जिस सफ़र ने मुझे पहले दिन थका दिया था, वही सफ़र अब मुझे उमंग से भर देता। शिवराम के नित नए किस्से सुनते सुनते सफ़र कब खत्म हो जाता पता भी न चलता। और सबसे बड़ी बात, शिवराम गुप्ता जी द्वारा छोड़े गए शब्द बाणों को स्वयं ही झेल भी लेता और फिर चाशनी में डुबोकर उन्हीं पर छोड़ भी देता। अगस्त का महीना शुरू हो चुका था। ऐसा लगता था कि बादलों ने अपना डेरा यहीं जमा लिया है। बेर की झाड़ियां बेर उगलने लगी थी। जब कभी मैं किसी झाड़ी के नज़दीक जाने की कोशिश करती, शिवराम मुझे रोक देता और स्वयं झाड़ी से मुट्ठी भर बेर तोड़ लाता। बरखा का पानी पड़ते ही जमीन के भीतर के जहरीले जिनावर बिच्छू सांप निकल आते हैं दीदी। कोई कोई तो ऐसे जहरीले कि काट ले तो प्राण उड़ते पल भी ना लगे। ऐसी बातें करते वक्त शिवराम गुप्ता जी के चेहरे पर नजरें गड़ा देता, जहां भय की परछाइयां पड़ी होती। ऐसे ही एक दिन जब वह किसी हवेली के सेठ की गाथा सुना चुका, तब मैंने उससे पूछा, क्या कभी कुलधरा गए हो? इस माटी का तो चप्पा चप्पा देखा हुआ है दीदी, फिर कुलधरा कैसे छूट सकता है भला? मैंने तो सुना है वो आत्माओं का गांव है, वहां सिर्फ आत्माएं बसती हैं, गुप्ता जी ने अपना ज्ञान बघारा। एक बात बताओ मार साहब, आत्मा होती क्या है? शिवराम ने पूछा और गुप्ता जी के बोलने से पहले ही खुद ही बोल पड़ा, क्या हम सब भी आत्माएं नहीं हैं? बस हम पर इस शरीर का खोल पड़ा है, जिस दिन ये खोल हटा हम भी सिर्फ आत्मा हो जाएंगे। मैंने सराहना भरी मुस्कुराहट के साथ शिवराम को देखा। इतिहास कहता है कि पानी की कमी के कारण वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण रातों रात पूरा गांव खाली कर गए थे, तब से वह गांव खंडहर ही पड़ा है, मैंने कहा तो शिवराम सरल भाव से बोला, इतिहास चाहे जो कहे दीदी, लेकिन वहां बसने वाले ब्राह्मण बहुत अधिक ज्ञानी थे। उन्होंने ऐसे उपाय खोज निकाले थे कि बरखा की एक बूंद भी बेकार न होने पाए। वे लोग अपनी सभी जरूरतें गांव की गांव में ही पूरी कर लेते थे, किसी के मोहताज ना थे। जैसलमेर के दीवान को उनकी यही ना मोहताजी पसंद नहीं आई और उन पर ढेरों कर लाद दिए। फिर एक दिन गांव के मुखिया की बेटी मांग बैठे। ब्राह्मण तो आत्मसम्मानी थे, बेटी तो दी नहीं और रातों रात पूरा गांव खाली कर गए, और ऐसे गए कि किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। शिवराम कुछ पल रुका तो मैंने पूछा, लेकिन वे इतनी जल्दी बगैर दीवान की नज़रों में आए गए कैसे? मैंने तो नहीं देखी,
लेकिन दादाजी कहते थे कि पूरे गांव के नीचे सुरंगें बिछी थी, ऐसी सुरंगें कि चार घोड़े एक साथ सवार समेत निकल जाएं। उन्हीं सुरंगों से वे गायब हो गए और अपना खजाना भी सुरंगों में छिपा गए। जाते जाते गांव को खंडहर बने रहने का श्राप भी दे गए। शिवराम कुछ क्षण रुका, फिर बोला, आप किसी दिन चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना ऐसी भूता जगह पर। खंडहर भी क्या कोई देखने की जगह होती है? अनुपमा जी, आप इसकी बातों में आकर चली मत जाइएगा। शिवराम और मैंने जैसे गुप्ता जी की बात सुनी ही ना हो। गांव के बीचों बीच माता रानी का मंदिर भी है दीदी, चलेंगे किसी दिन। मैंने कहा तो शिवराम ने मुस्करा कर गर्दन हिला दी। तुम्हें क्या लगता है शिवराम, वो जगह अब भी खंडहर बनी हुई है, इसका कारण क्या है? क्या वाकई में ये किंवदंतियाँ कभी सच रही होंगी, या उस जगह के प्रति लोगों का भय ही इसका कारण है? ये तो कोई पीर फकीर या संत महात्मा ही जाने दीदी, मैं क्या जानूं। हाँ ये जरूर मानता हूँ कि सिर्फ किंवदंतियाँ तो नहीं ही हैं। फिर कुछ रुक कर धीमे स्वर में बोला, जाने क्यों लोग आत्माओं से इतना भयभीत होते हैं? डर तो शरीरधारियों से लगना चाहिए, आत्मा तो पवित्र होती है, उससे कैसा डर? मैं समझ नहीं पाई उसे क्या जवाब दूं। वह फिर बोला, एक दिन तो सबको आत्मा हो ही जाना है, क्यों मार साहब? तुझे जो बनना है बन, भूत प्रेत आत्मा, मुझे तो बकश। कहकर गुप्ता जी लंबे लंबे ढक भरते हुए आगे बढ़ गए और शिवराम ठटा कर हंस दिया। कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला था, सो मैं बच्चों को उसी दिन के कार्यक्रम की तैयारियां कराने में जाता पता भी न चलता। 15 अगस्त के दिन सवेरे से ही बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर आती बूंदों का दौर जारी था। स्कूल पहुंची तो देखा आधे अधूरे बच्चे ही पहुंचे हैं। शिवराम विदा लेने लगा तो मैंने कहा, आज 1 बजे तक ही है स्कूल, 1 बजे तक आ पाओगे? क्यों नहीं आऊँगा, आप कहें तो जाऊँ ही ना, उसने भोलेपन से कहा तो मैं हंस दी। नहीं, दूध का इंतजार करते होंगे ना लोग, मैंने कहा तो उसने गर्दन हिला दी। फिर बोला, ठीक है दीदी, फिर 1 बजे मिलता हूँ यहीं। आज मौसम के मिजाज कुछ भले नहीं दिखते। बिगड़ते मौसम को देखते हुए बच्चों की प्रतियोगिताएं और खेलकूद कुछ जल्दी ही खत्म करा दिए गए। मैंने घड़ी देखी, 12 बजे थे और बच्चे जाने लगे थे, कुछ पैदल, कुछ लड्डों पर और कुछ साइकिलों पर। अनुपमा जी, हमें भी निकल लेना चाहिए, आज तो जोर की बारिश होगी, गुप्ता जी ने कहा। अचानक बाहर से जाती ऊंट गाड़ी से आवाज आई, पिपरिया तक जाऊं हूँ, कोई चालोगा के? गुप्ता जी बिजली की गति से बाहर की ओर भागे। 2-4 बचे हुए बच्चे भी ऊंट गाड़ी में चढ़ गए। आप भी आ जाइए अनुपमा जी, गुप्ता जी ने गाड़ी में बैठे बैठे आवाज लगाई। मैंने घड़ी देखी, 1 बजने में 35 मिनट बाकी थे। नहीं, शिवराम आता होगा, थोड़ा सा काम भी बचा है, तब तक उसे भी निपटा लूंगी, आप लोग जाइए। क्यों उस देहाती के चक्कर में अपने को मुसीबत में डालती हैं, आज नहीं आने वाला वो, फिर कुछ रुक कर कंधे उचकाते हुए बोले, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, भाई हम तो ऐसा मौका नहीं गंवा सकते। गुप्ता जी ने गाड़ीवान को चलने का इशारा किया और धीरे धीरे ऊंट गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। मैं अपना बाकी बचा काम निपटाने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी, ऐसा लगता था काले बादलों ने उजालों की राह रोक ली है। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया सिवाय हवा के थपेड़ों से झूमती खेजड़ी बबूल की टहनियों के और उन्हें अपने आगोश में लेने को आतुर धरती के। तभी वेगवती बूंदें बादलों की कैद से आजाद हो, धरती से मिलन को आतुर हो, दौड़ पड़ी। इस रेतीली भूमि पर ऐसी बारिश मैंने नहीं देखी थी। टीनों पर गिरती बूंदों की तड़ा तड़ के सिवा कहीं कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर सिमटी बैठी प्रकृति के रौद्र रूप को देखती रही, पर प्रकृति का यह रूप मेरे भीतर घबराहट पैदा कर रहा था। कुछ देर बरस चुकने के बाद बूंदों का वेग कुछ कम हुआ, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट जस की तस बनी रही। मैंने सामने नज़र दौड़ाई, सदा सुनहरी रेत पर पड़ने वाली खेजड़ी बबूल की परछाइयाँ अचानक डरावनी और काली होकर मेरे मन के भीतर उभरने लगी थी। उन्हीं परछाइयों से आवाज़ आई, क्यों रुकी रही यहाँ,
ऐसा तो कोई काम नहीं था, ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। अब भुगत। अचानक गुप्ता जी की आवाज कानों में उभरने लगी। ये देहाती मीठी छुरी होते हैं, मौके की फिराक में रहते हैं, ऐसा धीमा वार करेंगे कि क्या पता यह खुद भी डाकुओं से मिला हुआ हो। डाकुओं का ख्याल आते ही मेरी रगों में खून का दौरा बढ़ने लगा। खुली आंखों में स्कूल के पीछे झाड़ियों में खून से सने स्वयं के ही शरीर का अक्स उभरने लगा तो मैंने घबरा कर आंखें बंद कर ली। तभी बंद आंखों के पीछे शिवराम का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया तो मैं उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे किसी दूसरे चेहरे को तलाशने लगी, लेकिन वहां तो सिर्फ वही चेहरा था मुस्कुराता हुआ। मन को तसल्ली हुई और मैंने आंखें खोल दी। अब मन के भीतर अनेकों सवाल उभरने लगे थे। अगर शिवराम नहीं आया तो? इतनी तेज बारिश में कहीं अटक गया तो? दिमाग अपनी तकड़में भिड़ाने लगा। मैंने स्कूल के पिछवाड़े जाकर दृष्टि की पहुंच तक देखने की कोशिश की। दूर कहीं दो काली छायाएं उभरी। मुझे अपनी सांसें अटकती सी महसूस हुई। ध्यान से देखा, पेड़ थे हिलते हुए। मन में फिर से डाकुओं का ख्याल उभरने लगा। ऐसे ही अवसर की तलाश में रहते होंगे ना डाकू भी। चौधरी जी की नसीहतें याद आने लगी। थे औरत जात हो, थारे लिए या जगह ठीक कोनी, ट्रांसफर करा लियो। मैंने साड़ी के पल्लू से कसकर चारों ओर लपेट लिया। हल्की बारिश अब भी जारी थी। घड़ी पर नजर डाली, 1:05 बाकी थे। गुप्ता जी की आवाज कानों में गूंजी, आज नहीं आने वाला वो। मैंने दृष्टि की पहुंच तक देखने की कोशिश की, लेकिन शिवराम कहीं नहीं नजर आया। मुझे स्वयं पर क्रोध आने लगा। शिवराम का कहा क्या पत्थर की लकीर था जो रुकी रही यहाँ? इतनी बेवकूफ कैसे हो गई तू अनुपमा? घबराहट कम करने की खातिर टीन शेड के नीचे चहलकदमी करने लगी। अचानक मेरे भीतर प्रबल वेगवती इच्छा धारा बह निकली, जिसकी प्रत्येक बूंद शिवराम को याद कर रही थी। इस तरह तो मैंने कभी भगवान को भी याद नहीं किया था। फिर से घड़ी पर नजर डाली, 1:06 बचे थे। नजर दौड़ाई, कोई नजर नहीं आया। पैर घबराहट से सुन्न से होने लगे तो मैं कुर्सी पर बैठ गई। अचानक आवाज आई, दीदी। उस आवाज के साथ ही मेरे पैरों में जैसे जान वापस आ गई। देखा, खेजड़ी के नीचे शिवराम खड़ा है, पानी से तर बतर। चले दीदी, उसने फिर आवाज लगाई। मैंने छतरी तानी और चल दी। खेजड़ी के नीचे पहुंची तो शिवराम का मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरी सारी घबराहट उड़नछू हो गई। शरीर में जोश भराया। कुछ देर पहले दिलो दिमाग में सर उठाए खड़े शंकाओं के बिच्छू डंक मारने से पहले ही शांत हो गए। साइकिल कहाँ छोड़ा है आज? मैंने पूछा। पंचर हो गई थी सो वहीं ढाणी में छोड़ आया। फिर कल कैसे आओगे? और दूध की टंकियां? अब तक मैं बिल्कुल सहज हो गई थी। गुजरों की ढाणी में कौन सी टंकियों की कमी है? और साइकिल तो किसी की भी ले आऊंगा। मार साहब चले गए? उसने पूछा। हाँ, कोई ऊंट गाड़ी जा रही थी उस तरफ, तो बच्चों के संग वे भी चले गए। आप क्यों नहीं गई? तुम जो आने वाले थे, मैंने मुस्कुरा कर कहा तो वह बेहद निश्चल सी हंसी के साथ बोला, और न आता तो? कैसे ना आते, मैं इंतजार जो कर रही थी। मुझ नए नए देहाती पर इतना विश्वास? उसने जिस तरह गुप्ता जी के लहजे में बोला तो मैं हंस पड़ी। मेरे साथ साथ वो भी खुलकर हंस दिया। फिर बोला, आज तो जोर जोर से हंसने का मन कर रहा है दीदी। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? ये धरती भी तो हंस रही है ना, नन्नी नन्नी बूंदों से मिलकर। उसने अपनी हथेली फैला दी। और ये बूंदे, ये भी तो हंस रही हैं, आजाद होकर, धरा की प्यास बुझाकर। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, फिर बोला, ये झाड़ियाँ हरदम कांटे उगलती हैं ना, लेकिन इन बूंदों के पड़ते ही कैसी खिलखिलाने लगती हैं ना दीदी। तुम तो दार्शनिक भी हो, मुझे आज ही पता चला। और आज तुमने बरसाती क्यों नहीं पहनी? बीमार पड़ गए तो फिर मेरे साथ कौन आएगा? अचानक उसका चेहरा कुछ बुझ सा गया तो मैंने उसे खुश करने के इरादे से कहा, बीमार पड़े तुम्हारे दुश्मन। मेरा इतना कहते ही वह फिर जोर से हंस दिया और हंसते हंसते बोला, दुश्मन तो मार साहब के हैं, मेरे हैं ही नहीं।
आज कोई गाथा नहीं सुनाओगे? उसके साथ साथ मैं भी हंसती। आज कोई गाथा नहीं सुनाओगे? क्या सब खत्म हो गई है? इस मार धरा में जितने रेत के कण हैं ना, उतनी ही गाथाएं दबी है दीदी। मेरी उम्र चाहे खत्म हो जाए, ये कभी खत्म नहीं होंगी। उस दिन शिवराम ने मुझे कौमार्यावस्था के दो वीर भाइयों की गाथा सुनाई, जो पिता को दिए गए माँ की रक्षा के वचन की खातिर, माँ के सम्मान की खातिर जमींदार के भेजे 50 आदमियों से भिड़ गए थे और अपने रक्त की आखिरी बूंद को तब तक रज में न मिलने दिया तब जब तक कि उन 50ों के रक्त से धारा को लाल न कर दिया। ताकत उम्र या शरीर में थोड़े ही होती है दीदी, ताकत तो इच्छा में होती है। अगर इच्छा प्रबल हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। बातें खूब अच्छी करते हो तुम, कहाँ से सीखी इतनी बातें? मैंने पूछा तो वह हौले से हंस दिया, फिर धीमे से बोला, इस माटी में जन्म लेना ही काफी है, फिर ये सब कुछ स्वयं ही सिखा देती है। उसने नीचे झुककर मुट्ठी भर माटी उठाई और अपने ललाट से लगा दी। 100 जन्म भी हो ना दीदी, तो बस यही कामना रहेगी कि इसी वीर भूमि में जन्म लूं। सामने पिपरिया का मोड़ नजर आने लगा था और मौसम भी साफ हो गया था। अच्छा अब चलता हूँ दीदी, शिवराम स्नेह भीगे कंठ से बोला और दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में मुझे प्रबल वेदना दिखाई दी। एक पल में ही इतनी पीड़ा? क्यों, जैसे कोई अनहोनी घटित हुई हो? उस एक क्षण में ही कई सवाल मेरे मन मस्तिष्क में घूम गए। मैं अपने सवालों के घेरे में घिरी खड़ी रही और वह पिपरिया के मोड़ की तरफ मुड़ गया। मोड़ पर खड़ी मैं उसे जाते देखती रही। शायद उसे भी पता था कि वहीं खड़ी हूँ, सो एक बार भी पलट कर नहीं देखा। ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसे वह मुझसे छिपा रहा है? विचलित मन से मैं अपने रास्ते पर बढ़ गई। अभी खाना खाकर उठी ही थी कि बाहर से चौधरी जी की आवाज आई। मन जाने क्यों किसी अनहोनी की शंका से भर उठा। झटपट बाहर आई, चौधरी ऊंट गाड़ी लिए खड़े थे। ऊंट गाड़ी में उनके साथ 17-18 बरस का एक युवक भी बैठा था। थे चालो मारे सागे मैडम जी, जाने उनकी आवाज में थरथराहट थी या मेरे मन की विचलित स्थिति से मुझे ऐसा आभास हुआ। कहाँ, मैंने अपने मन को स्थिर करते हुए पूछा। वो शिवराम, क्या हुआ शिवराम को? मैंने चौधरी जी का वाक्य पूर्ण होने से पूर्व ही सवाल दाग दिया। आंखों के समक्ष शिवराम की आंखों में तैरती प्रबल वेदना घूम गई। दिल में छेद और मुंडा पे हंसी लिया घूमे हो, भरे गले से चौधरी जी ने कहा। स्कूल से 2 ढाणी आगे सांस को उठाव हुयो, आज मौसम भी ठीक कोनी हो। अध घंटा तक अध मुंदी आँख्या से आपनी ही सांसा से लड़तो रहे हो। क्या आप ही शिवराम भैया की दीदी हैं? अचानक ऊंट गाड़ी में चौधरी जी के साथ बैठा युवक बोल पड़ा। हाँ हूँ तो, पर हुआ क्या है? मेरे स्वर में कुछ तीव्रता आ गई थी। मन की आशंकाओं पर पड़े झीने पर्दे एक एक कर हट रहे थे, लेकिन मैं उसके पार देख नहीं पा रही थी। दीदी मेरा इंतजार कर रही है, दीदी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना है, यही रट लगाए थे। बापू वैद्य जी को लेने गए थे, लेकिन अचानक एक बजे जोर की सांस उठी और सब खत्म। कहते कहते युवक की नन्ही आंखों से नन्ही नन्ही बूंदें टपक पड़ी और मैं जड़वत सी खड़ी की खड़ी रह गई। तो ये थी राजस्थानी मरुधरा से, इस धरती से जुड़ी एक कहानी। आप सभी के कमेंट्स में बीच में देख नहीं पाई हूँ, तो इसमें नीचे करके देख। आप सभी का आभार। गुंजन दी, थैंक यू आने के लिए, जुड़ने के लिए। शिल्पी थैंक यू, सुमन भाभी थैंक यू। बजरंग जी आभार बहुत बहुत। महेश जी बहुत बहुत आभार।
शशि आंटी, आभार। हंस जी, स्वागत आपका, आभार जुड़ने के लिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस कहानी का शीर्षक मैंने अभी नहीं दिया है, तो भादु जी सर, प्रणाम आपको और बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। सत्यनारायण जी सर, आभार। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि इतने पेशेंस के साथ में कहानी को सुना। और अब इसका शीर्षक अगर आप लोग मुझे सुझाएंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। समय काफ़ी हो गया है, तो अब मैं एक बस चार लाइनों के साथ में अपनी बात को ख़त्म करूंगी। और ये चार लाइनें कहानी के पात्र शिवराम की ओर से है कि दूसरों की राहें तय करने की कोशिश ना कर, दूसरों की राहें तय करने की कोशिश ना कर, स्वयं के आईने में दूसरों का दीदार ना कर। तेरे कदमों के निशान ढूंढते चले आए सब, तेरे कदमों के निशान ढूंढते चले आए सब। कर सके तो एक ऐसे पथ का निर्माण कर, एक ऐसे पथ का निर्माण कर। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।